नमस्कार, मैं ममता जबरी, इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के कुछ प्रमुख समाचारों पर। शोपुर में एससी एसटी एक्ट के विरुद्ध में अहिंसक आंदोलन ने पकड़ा जोर। एससी एसटी एक्ट के विरुद्ध में अहिंसक आंदोलन ने पकड़ा जोर। शोपुर नगर में एक्ट के विरुद्ध में कारोबारी भी नहीं रहे पीछे। वोट फॉर नोट के पोस्टर लगाकर किया विरोध। किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता से वोट ना मांगने को लेकर की अपील। प्रतिष्ठानों पर लगाए नोट के समर्थन में पोस्टर। दलालों व नेताओं से आग्रह है कि न आए वोट मांगने। मध्य प्रदेश के शोपुर से जेपी शर्मा की रिपोर्ट। बुरहानपुर में लापता ड्राइवर के पिता ने लगाया मंत्री चिटनिस पर जान से मारने का आरोप। बुरहानपुर में 3 साल पहले लापता हुआ मंत्री चिटनिस का ड्राइवर योगेश पाटिल, जो आज तक घर नहीं आया, उसके पिता उखा पाटिल ने सीधा सीधा आरोप मंत्री चिटनिस पर लगाया है। उसका कहना है कि मेरे बेटे को मंत्री ने एवं उनके भाई अमित मिश्रा ने मार दिया है। ड्राइवर के पिता का आरोप है कि मेरे बेटे का आखिरी फोन भोपाल से आया था कि ये लोग मुझे घर आने नहीं दे रहे। अब लापता ड्राइवर के पिता कहना है कि इस मामले की सीबीआई जांच की पड़ताल होनी चाहिए। अर्चना दीदी के यहाँ, और उसने भोपाल से लाई दीदी को, आखिरी फोन आया उसका कि आने दे रहे मेरे को घर, और उसके बच्चे को भी मिलने आए ना, उसके कपड़े भी वहीं पड़े रहे, उसका लाइसेंस भी कोर्ट में मिला 12 महीने के बाद, और कपड़े भी वहीं झोला टंगा हुआ मिला उसका। क्या लगता है इसके पीछे? हमको तो शक है कि वहीं खत्म कर दिया उसको, बंगले पर मेरे लड़के को। किसने खत्म? उन्होंने, दोनों बहन अमित मिश्रा और अर्चना दीदी, क्योंकि भोपाल से लाया, आखिरी फोन आया उसका घर, आनंद दे रहे बोले घर को, जब से फोन बंद पड़ा तो बंद ही रहा, उसके बच्चे की भी भेंट लेने को नहीं आने दिया उन्होंने घर को। क्या लग रहा है आपको? किसने? हमको पूरा शक उनके ऊपर है। किसके ऊपर है? अर्चना दीदी और अमित मिश्रा। हमको शक उनके ऊपर हो रहा है। क्या शक हो रहा है? आरोप की खत्म कर दिया मेरे लड़के को इन्होंने। किसने खत्म कर दिया? अमित मिश्रा या अर्चना दीदी? क्या नाम है आपका? मेरा उखराम जी पाटिल भाई, उसका पिताजी हूँ मेरे योगेश का, जिसको लेकर उन्होंने अर्धनंग होकर जिलाधीश को ज्ञापन दिया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से मोहम्मद वसीम की रिपोर्ट। दमोह के तेंदुआ खेड़े में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, यात्रियों की जान जोखिम में डालकर उफानते नाले को पार कर रहे हैं बस चालक। दमोह जिले के तेंदुआ खेड़ा जबलपुर मार्ग पर बड़ा घाट के पुल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां जबलपुर से टीकमगढ़ जाने वाली एक निजी यात्री बस के चालक ने लापरवाही बरतते हुए पुल पर करीब 3 फीट पानी में यात्रियों से खचाखच भरी बस पानी में डाल दी। मौके पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यहां थोड़ी सी चूक बहुत से यात्रियों की जान जोखिम में डाल सकती थी। कुछ अन्य वाहन भी बाढ़ की दशा में पुल पार करते देखे गए। यहां सुरक्षा और इन्हें रोकने के कोई इंतजाम प्रशासन ने नहीं किए। हालांकि अब पुलिस जांच कर दोषी बस चालक के विरुद्ध कार्रवाई की बात ऑफ कैमरा कह रही है। मध्य प्रदेश के दमोह से दीपक सेन की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आयोजित राजस्थान गौरव यात्रा पहुंची सिरोही जिले में। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा सिरोही जिले के शिवगंज से प्रवेश हुई, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सीएम राजे ने वहां शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का लोकार्पण किया। इसके बाद सिरोही के लिए रवाना हुई, जहाँ पोसालिया व पालडीएम में राजे का भव्य स्वागत हुआ, जहाँ आम जनता से मुलाकात कर समस्याएं जानी। इसके बाद सीएम राजे सिरोही पहुंची, जहां अरविंद पेविलियन में भाजपा कार्यकर्ता और महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने राजे का स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों को स्कूटी वितरित की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने करीब 48 करोड़ के कार्य का शिलान्यास किया। मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ कि आज करीबन 48 करोड़ के काम आपके सामने या तो शिलान्यास या लोकार्पण हो चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने 6 महिला राज्यपाल बनाए, उन्होंने 9 सेंट्रल मंत्री बनाए हैं, केंद्र में के मंत्री, और उन्होंने 1 अपने यहाँ स्पीकर बनाई हुई है, तो वो संसद की जो स्पीकर है वो महिला है। वही सीएम राजे ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए। इस मौके पर मंत्री ओटाराम दिवासी, मंत्री कालीचरण सराफ, जिला प्रमुख पायल परसाराम पुरिया समेत भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। राजस्थान की सिरोही से लिया कतली की रिपोर्ट। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।
मिश्रा शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है। अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है। कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे। दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी। टीवी देखने बुलाएंगे? अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी? ए छोड़ो, रुको, ये शुक्ला जी का घर कौन सा है? घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो। क्यों? शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके। अब वो देखो शुक्ला जी आ गए। देखो शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता। तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, वही असली तरक्की। एक कदम स्वच्छता की ओर। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। भीड़ में पूर्व मंत्री स्वर्गीय सूरज पाल सिंह की पुण्यतिथि पर राजकीय अस्पताल में फल वितरण का कार्यक्रम हुआ। 30 अगस्त को स्थानीय राजकीय अस्पताल भीनमाल में नगर कांग्रेस कमेटी भीनमाल द्वारा पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार स्वर्गीय सूरज पाल सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर गरीब व असहाय लोगों को फल व बिस्किट बांटे तथा आदरणीय स्वर्गीय सूरज पाल सिंह के नेक कार्यों को याद किया गया। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष कपूर चंद जी नगर, मोहम्मद सिंह जी, रमेश दवे दुमड़िया, रमेश राजपुरोहित जेतू, तलकाराम सुरेश सोलंकी, ओम प्रकाश खोरवाल, दीपक बोरा सहित कई दर्जन युवा कार्यकर्ता शामिल थे। राजस्थान के जालौर से ओम प्रकाश खोरवाल की रिपोर्ट। बहराइच में 1.5 साल बाद अबोध बच्चा लौटा अपने घर। बहराइच में आज से करीब 1.5 वर्ष पूर्व एक अबोध बच्चे को एक महिला और पुरुष ने चंद पैसों की लालच में अपहरण कर लिया था। जिस प्रकार से हमेशा देखने को और सुनने को मिलता है कि बच्चे चोरी हो जाते हैं, लेकिन इन बच्चों का कुछ पता नहीं चलता। इस बार प्रशासन की कड़ी कार्रवाई के चलते इन अपराधियों के इरादों पर पानी फेर दिया। इस बच्चे को अपहरण करने के बाद फिरौती की रकम 60,000 मांगी गई। बच्चे को दरगाह मेले के दौरान अपहरण किया गया था, लेकिन जब बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई तब से पुलिस इन अपराधियों की तलाश कर रही थी। मुखबिर की खास सूचना पर पुलिस ने झिंघाट घाट तिराहे पर इन अपराधियों को धर दबोचा। पुलिस अधीक्षक के सख्त आदेश या अभियान चलाया गया था जिसमें पुलिस को सफलता भी मिली। लगभग 1.5 साल 1.5 साल पूर्व की बात है, बरगा क्षेत्र से एक अबोध बच्चा को मां का गायब हो गया था, जिसके संबंध में उसके परिजनों के प्रार्थना पत्र पर अभियोग पंजीकृत था दरगाह थाना में। इस मामले में पुलिस निरंतर कार्य करती रही और बच्चे का पता लगाने का प्रयास कर रही थी, जिसमें फुल होमवर्क के बाद हमें सफलता मिल गई। और यह घटना जिस व्यक्ति ने की थी और जिसे उसने जिसके कहने पे किया था, उस महिला को बच्चे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों अपराधी, इसमें एक महिला एक पुरुष है, कई और के नहीं, थाना खेरी घाट क्षेत्र की महिला है और पुरुष नानपारा थाना क्षेत्र का है। उत्तर प्रदेश के बहराइच से मोहम्मद माजिद की रिपोर्ट। आजम खान के घर रामपुर में पहुंचने पर अमर सिंह ने आजम खान पर तीखे बोलों से हमला बोला। एक टीवी चैनल पर आजम खान के विवादित बयान देने के बावजूद अपने बयान से मुकर जाने पर अमर सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि अपने काबिल दोस्त मोहम्मद आजम खान को आज से डॉक्टर आजम खान मानूंगा, क्योंकि झूठ बोलने में, अपनी बात से मुकर जाने में उन्होंने डॉक्टरेट हासिल की है। वही आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ों के मामले में दखल देने पर बड़े होने की हिदायत दी। वही दंगों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दंगों में जो लहू बहता है वह लहू हिंदू या मुसलमान का नहीं, इंसानियत का होता है। मैं अपने काबिल दोस्त कायदे आजम मोहम्मद आजम खान को आज से डॉक्टर आजम खान का अपने बात को मुकर जाने में उन्होंने डॉक्टरेट हासिल की, ये बयान दे चुके हैं अमर सिंह और इनके जैसे लोग, इनके परिवार के लोग जब दंगे पीटे जाएंगे, इनके घर के लोग काटे जाएंगे, कि बेटियों को तेजाब से नहलाया जाएगा, तो दंगे बंद हो जाएंगे।
दंगों में जो लहू बहता है वो लहू हिंदू या मुसलमान का नहीं, इंसानियत का होता है। तो हम भी कहेंगे हिंदुस्तानियत, इंसानियत और रामपुरियत। रामपुरियत इसलिए कहेंगे ये रामपुर, ये रामपुर मौलाना आजाद का रामपुर। वही मौलाना आजाद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि शर्म की बात है कि हमें मौलाना आजाद के रामपुर में आजम खान के बारे में तकरीर करनी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के रामपुर से सुरेश कुमार की रिपोर्ट। झांसी में स्वाट टीम को शातिर वाहन चोरों की गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल हुई। झांसी स्वाट प्रभारी उमेश चंद्र त्रिपाठी अपनी टीम के साथ बदमाशों की तलाशी कर रहे थे। इसी दौरान अंजनी माता मंदिर के नजदीक कब्रिस्तान पर शातिर बदमाश होने की सूचना मिली। सूचना को गंभीरता से लेते हुए स्वाट टीम बताए गए स्थान पर पहुंची, जहां टीम को देख उक्त युवक भागने का प्रयास करने लगे। टीम ने किसी प्रकार चारों बदमाशों को पकड़ लिया। पकड़े गए चोरों के पास से चोरी की 7 बाइकें बरामद हुई। पकड़े गए बदमाशों की जानकारी देते हुए SP सिटी देवेश पांडे ने बताया कि ये चोर भीड़भाड़ इलाकों व सुनसान इलाकों में पहले वाहनों की रेकी करते हैं, इसके बाद मौका पाते ही चोरी कर लेते हैं। वाहनों को चोरी करने के बाद वे कम कीमत में बाइकों को बेच देते थे। थाना कोतवाली में आज प्रभारी निरीक्षक कोतवाली और स्वाट टीम तथा उनके वरिष्ठ उप निरीक्षक के द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी। 4 संदिग्ध लड़के जो अलग अलग बाइकों पे थे उनको रोका गया, उनसे पूछताछ की गई। तो पूछताछ में जानकारी ये हुई कि ये शातिर वाहन चोर हैं और ये जो बाइक्स हैं ये भी चोरी की हैं, इसको बेचने जा रहे हैं। उनसे और जानकारी की और पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि 3 वाहन और हैं जो उनके द्वारा छुपा के रखे गए हैं। 7 वाहनों की बरामदगी की गई, इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनसे बहुत कुछ जानकारियाँ और प्राप्त हुई हैं, पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है, इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पकड़े गए बदमाश का कहना है कि जेल से छूटकर फिर वो चोरी करेगा। अभी तक उसने 3,000 के लगभग बाइक चोरी की है। उत्तर प्रदेश के झांसी से मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। मुमताज जवेरी, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई। इंडिया लाइव न्यूज में खबरों का सफरनामा करते समाप्त, मुमताज जवेरी को दीजिए इजाजत। लेकिन आपसे चलते चलते गुजारिश मिलती है, अगर आपके इलाके में कोई घटना घटित हुई है या आपके पास कोई समस्या है तो स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर पर आप हमें से संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं indialivenewschannel@gmail.com पर, या आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं www.indialivenews.co.in पर। नमस्कार।